हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? भाई हमजा फ्रॉम टीएच डेवलपर्स। आज हमारी जो टॉपिक है वो फोर्थ प्रॉपर्टीज है। कल हमने टैक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि आप टैक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसी की ये थोड़ी सी आगे और प्रॉपर्टीज है कि फोर्थ प्रॉपर्टीज के जो आपके टैक्स का फोर्थ होता है उसको आप उसके ऊपर आप कौन सी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। ओके, लेट्स चलते हैं। उसके अंदर हमारे पास पहला आ जाता है फोर्थ फैमिली। फोर्थ फैमिली जो है ये तीन किस्म की फैमिली एक्सेप्ट करती है, जैसे यहाँ पे टाइम न्यू रोमन लिखा हुआ है, और दूसरा पैरामीटर में टाइम है, तीसरे में सैरिफ है। ये तीन इसी लिखी जाती हैं कि अगर पहला फोन जो है वो आपका ब्राउजर एक्सेप्ट नहीं कर रहा या आपके ब्राउजर में वो वर्किंग नहीं कर रहा तो वो दूसरे को पकड़ेगा, वो दूसरे को देखेगा, अगर वो भी वर्किंग नहीं कर रहा वो तीसरे को देखेगा। अब तीसरा जो है वो एक ऐसा फोर्ट होता है जो हर ब्राउजर में काम करता है, एक सेरिफ है, एक सैंस सेरिफ है, ठीक है। ये आखिरी फोर्ट है, ऐसा फोर्ट होता है जो हर पुराने से पुराना जो ब्राउजर है, जो फारग तरीन ब्राउजर जो है, थका हुआ ब्राउजर, उसके अंदर भी ये काम कर जाता है सेरिफ। तो इसको हम चेक करते हैं। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर फैमिली लगाता हूँ, फॉन्ट फैमिली। अब ये गाइस आपके सामने कितनी फैमिलीज हैं, इसमें से कोई लगा लो, मैं ये लगा लेता हूँ। रिफ्रेश गाइस, ये देखिए यहाँ पे ये फैमिली पहले टाइम बाय डिफॉल्ट जो है वो टाइम न्यू रोमन होती है या एरियल होती है, तो आप उस वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये इस टाइम जो है ये फैमिली आप एक लग गई है, अब मैंने लगाई है ये फैमिली, इसके अंदर अब या ये काम करेगी या ये करेगी या ये करेगा या ये, अगर चारों में से कोई भी नहीं कर रहा तो पांचवी जो है सैन सारी ये लाजमी लग जाती है, ठीक है। तो फोन फैमिली जो है वो इसका की जाती है। ओके नेक्स्ट, आगे वाले पास फोर्थ स्टाइल आ जाता है। इसकी तीन वैल्यूज होती हैं, इटैलिक, नॉर्मल, ओब्लिक। नॉर्मल वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नॉर्मल होती है, और ये ओब्लिक वैल्यू जो है ये बहुत कम सपोर्ट करता है ब्राउजर, ठीक है। तो ज्यादा मेन प्रॉपर्टी जो है वो इसकी इटैलिक ही है। फोर्थ स्टाइल को आप इटैलिक करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है, और ये इटैलिक जो है आप एचटीएमएल के टैग से भी कर लेते हैं, आप सीएसएस से भी कर सकते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। ओके, ऑन स्टाइल इटैलिक, इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए गाइस, थोड़ा सा इसने टेढ़ा कर दिया, उसको इटैलिक फॉर्म में कर दिया, ठीक है, ये इस तरह काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले पास, आज तक फोर्ट साइज और फोर्ट वेट। फोर्ट साइज होता है कि आपके साइज जो फोर्ट है उसका साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज की जाती है फोर्ट साइज की यूज की जाती है। आपने पिक्सल में देना है पिक्सल में देने, परसेंटेज में देना उसमें देने, एक ईएम होती है, ईएम के अंदर ईएम यूनिट होता है उसके अंदर दे दे, आरईएम होता है उसमें दे दे, जिसमें आप देना चाहते हैं वहां पे दे दे। तो जो आप मतलब के अपना यूनिट यूज कर रहे हैं आप उसी यूनिट में इसको दे सकते हैं। और दूसरी इसके अंदर आता है फोल्ड वेट। फोल्ड वेट होता है कि आपकी जो वैल्यू वो जो आपका फोल्ड है उसको कितना मोटा करना चाहते हैं, उसको कितना प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक आप इसको फोल्ड वेट दे सकते हैं। तो ज्यादातर बोल्ड ही दिया जाता है, बोल्ड या बोल्डर, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ओके, मैं फोन साइज इसको देता हूँ, फोन साइज तकरीबन मैं इसको दे देता हूँ 72 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। इसको हम पहले चेक करते हैं, ये देखिए गाइस 72 पिक्सल का ये फोटो हो गया। और इसके बाद मैं इसको इसकी इसका वेट भी मैं इसको दे देता हूँ। अब फोल्ड वेट में आपके पास ये सारी आ जाती है, तो मैं यहाँ पे इसको बोल्ड देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। ये देखिए गाइस, इसने बोल्ड कर दिया। अब इसके लिए एचटीएमएल का टैग भी यूज कर सकते हैं, बी वाला, और आप सीएसएस भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास है चांसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोन का शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड जो है ये इसके अंदर क्या आप करते हो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में, कि आपके फोन के बाद आपने उसका स्टाइल लिखना, स्टाइल के बाद आपने उसका वेट लिखना है, वेट या साइज, और उसके बाद फिर आपने उसकी फैमिली लिखनी है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को लिखते हैं यहाँ पे।
ओके गाइस, इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ। फॉन्ट में सबसे पहले आपने उसका स्टाइल इटैलिक, उसके बाद आपने उसका साइज, साइज मैं कहता हूँ 72 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने उसको बोल्ड करना है, यानी कि उसका वेट, और उसके बाद आपने उसकी फैमिली लिखनी है, मैं वो ही लिख देता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स सेरिफ। गाइस ये जो नाम होते हैं ना इसके फैमिली के, ये याद नहीं होते, इसको आपने कहीं से देख के या कहीं से कॉपी कर लें। तो रिफ्रेश करते हैं। ओके, फोर्ड लग गया है, बोल्ड ये नहीं लगा, एक मिनट। ये भी काम नहीं कर रहा, बोल्ड मूव कर देता हूँ। रिफ्रेश, ओके गाइस, फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको मैं आपको चेक करके बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है ये वाला टॉपिक छोड़ के, ये फोड़ के छोड़ हैंड का छोड़ के, उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।